नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त नवीन चौहान। इस वक्त अजमेर में है और अजमेर में हमारी मुलाकात हुई है हीरा जी से। हीरा जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका काम? बहुत बढ़िया चल रहे हैं। बढ़िया चल रहा है। हाँ। अब तो चुनाव आ गए, 7 तारीख को मतदान है। हाँ जी। किसको दे रहे हो वोट? मोदी जी को। मोदी जी को वोट दे रहे हो? क्या किया है मोदी जी ने? वो बहुत किया गरीबों को। लोग कह रहे हैं कि गरीबों को कोई फायदा नहीं हुआ। हुआ 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 तो लोग झूठ बोलते हैं क्या? हाँ, क्या फायदा हुआ? हाँ, आपको वसुंधरा अच्छी लगती है कि सचिन पायलट? नहीं, वसुंधरा। वसुंधरा तो इस बार फिर से वोट। लेकिन राजस्थान का तो इतिहास है ना, 5 साल एक सरकार तो 5 साल दूसरी सरकार। तो इस बार क्या इतिहास बदल रहा है? नहीं, ये वसुंधरा अच्छी है। वसुंधरा अच्छी है इसके लिए तो मतलब हीरा ये कह रहे हैं कि इस बार कुछ और चमकेगा। आप बैठ गए रिक्शा में? अच्छा, आपको बोलो। अच्छा, ये ने अच्छा, औरों से बातचीत करते हैं। आप बताइए भैया कहाँ से? इसको यहाँ लगा लो। अजमेर से ही है। लगा लो, लगा लो। हाथ में पकड़ लो बाबा। चढ़ो चढ़ो। आप बताइए क्या दिख रहा है इस बार? क्या दिख रहा है? बीजेपी आएगी भाई इस बार भी। मतलब ऐसा पहली बार होने जा रहा है क्या? पहली बार क्या, हमेशा आ रही है। आ रही है तो मोदी जी का काम अच्छा लग रहा है? वसुंधरा राजे काम अच्छा कर रही है? कौन अच्छा कर रहा है काम? बीजेपी कर रही है, मोदी और वसुंधरा। गरीबों की जिंदगी में क्या फायदा किया है? कुछ भी फायदा नहीं किया भाई। 3 लाख रुपए का इलाज फ्री कर दिया भाई, भामाशाह पे और क्या करेगी गरीब। आपको मिला? मिला जब मिला भाई। हैं? मिला। अच्छा, बिल्कुल। सचिन पायलट उनकी तरफ से हैं, कैसे लगते हैं भाई? वो तो 7 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, 7 तारीख को पता चलेगा, रिजल्ट तो 11 को आएगा। आप इधर लगा लो। हाँ जी, अब बताओ। कांग्रेस के राज में जो देखा ना, वो आज तक ही नहीं देखा हमने। क्या महंगाई है कांग्रेस? हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? मान सिंह है मेरा नाम। तो मान सिंह, क्या दिखाई दे रहा है 7 तारीख को? कहाँ जा रहे हो? 7 तारीख को यही दिखा दे रहा है, कांग्रेस आई हमारे लिए। तो कांग्रेस आई है? कांग्रेस आने चाहिए हमारे लिए। तो बढ़िया कर रहे हैं। कांग्रेस ही चाहिए हमारे को, कांग्रेस से कुछ। अच्छा, क्या किया, क्या करेगी कांग्रेस जो बीजेपी नहीं कर पाई? बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने GST और लाइन है हमारे ऑटो रिक्शे, क्या धंधे नहीं चल रहे हैं यहाँ पे? और लाइन से तो गाड़ियाँ मंगा रहे हैं। अच्छा, और लाइन पे देखो टैक्सी वाले, ये धंधे कम हुए क्या? धंधे बहुत कम हो गए। 40-40 में टैक्सियाँ जा रही है। अच्छा, तो सस्ता हो गया है तो फिर कहाँ हो गया हमारे? हम गरीब आदमी मर रहे हैं ना यहाँ पे। अच्छा, गरीब मरी तो जी हीरा जी, गरीब आदमी मर रहा है क्या? मर रहा तो नहीं है, भी सही बात कह रहा है। हाँ। रोजगार अपना अपना किस्मत है, अपना अपना पार्टी। तो इनकी किस्मत अच्छी नहीं है क्या? हाँ, तो किस्मत देखो भाई, कोई पेट्रोल कितने रुपए लीटर हो गया? 81। अरे कहाँ हो गया, 73 रुपए हो गया। आप हुआ होगा 75 रुपए, हम तो डेली आपने 81 में डलवा के भूल गए। डेली ले रहा पैसे तो सारे। हाँ, कितने रुपए लीटर है भैया पेट्रोल? 75 रुपए लीटर है। अच्छा, तो अब आपको क्या लग रहा है? आप तो युवा हो, रोजगार की बात है, तमाम दूसरे मुद्दों की राय है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल मोदी आएगा, 100% आएगा मोदी। अच्छा, हाँ, गैस कनेक्शन फ्री में दिए गरीबों को, मामाशाह की योजना चलाई है, 3-3 लाख रुपए की फ्री इलाज करवा रहा है, और क्या करेगा? तो बंद हो रहे हैं हमेशा, कोई भी इलाज नहीं कर रहा, सब मना कर रहा है। अच्छा, 12 तारीख को बंद हो जाएंगे? 12 तारीख को बंद हो रहे हैं। गरीबों को योजनाएं दिए कार्ड के लिए। अच्छा, ये हो गया, मतलब चुनाव के लिए, बाद में कुछ नहीं किया भैया? चुनाव के लिए क्या बीजेपी जीतेगी 100% क्या? कांग्रेस नहीं जीतेगी, कांग्रेस। अच्छा, वो 11 तारीख को मालूम पड़ेगी भैया, अभी देखने से क्या होगा, बोलने वाले बोलते रहे। वाकई 11 तारीख को पता चलेगा कि क्या कुछ होगा, क्या तस्वीर निकल कर सामने आएगी। लेकिन आप तो चुनावी इंतजाम का मजा लेते रहिए, क्योंकि हेडलाइंस इंडिया निकला है इस चुनावी सभा में। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।